हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी विल सॉल्व रेलवे फार्मासिस्ट टेस्ट सीरीज एंड दिस इज अवर पार्ट 37 वीडियो एंड टुडे वी सॉल्व एमसीक्यू नंबर 361 टू 370 विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मर ऑक्स। Farmer Rock study materials are available for a pharmacist examinations like ESIC, RRB and any type of government pharmacist examinations. So you can contact us on 9016312020 to order this study material. So here is the question number 361. Site of Montauk's test. Option A, outer quadrant of gluteus maximus, deltoid region, posterior left forearm or anterior left forearm. And right answer for this question is option D, anterior left forearm. मतलब कि question ये है कि Montauk's test body के कौन से part पे perform की जाती है. Okay, so जो skin test होती है tuberculosis के लिए, TB का जो identification के लिए, जिसको हम Montauk's test कहते हैं, वो एंटेरियर लेफ्ट फॉरआर्म जो हमारा होता है उस पे परफॉर्म की जाती है। क्वेश्चन 362, मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बोवाइन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बैसिली। ऑप्शन ए मिल्क, वाटर, एयर और फूड। सो क्वेश्चन इज लाइक दैट कि जो बोवाइन टाइप जो टीबी होता है, ओके, तो वो कैसे फैलता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो राइट आंसर इज द मिल्क। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हमको बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम कहते हैं टीबी, तो उसका जो ट्रांसमिशन होता है बाय कॉन्टामिनेटेड मिल्क। ओके, सो कॉन्टामिनेटेड मिल्क के कारण बोवाइन टाइप ऑफ टीबी जो है उसका ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 363, पेनफुल मिक्टूरिशन मीन्स एन्यूरेसिस, डिसयूरिया, डायरिया और रिटेंशन ऑफ यूरिन। एंड राइट आंसर इज द डिसयूरिया। मतलब कि जो पेनफुल मिक्टूरिशन, मतलब कि डिसयूरिया, मतलब कि पेनफुल यूरिनेशन, कि मतलब कि जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हो तो आपको बर्निंग सेंसेशन, ओके, जैसा होता है ड्यूरिंग द यूरिनेशन। ओके, एंड इट इज मोर कॉमन इन ए वुमन एंड इट इज ऑफन फाउंड टू अकर्स ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब कि यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, तो जिसके कारण आप जब यूरिनेशन के लिए जाते हो तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन आपको होता है। ओके, सो इट इज कॉल ए पेनफुल मिक्टूरिशन, और दूसरे वर्ड्स में इसको कहा जाता है डिसयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 364, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज फॉर इवैक्यूएंट इनिमा इन एडल्ट्स, 100 टू 250 ml, 250 टू 350 ml, ऑप्शन सी 500 टू 1000 ml एंड ऑप्शन डी 1000 टू 1500 ml। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी 500 टू 1000 ml। सो क्वेश्चन ये है कि जब भी हम इवैक्यूलेंट लेते हैं फॉर इनेमा, सो 500 टू 1000 ml फॉर एडल्ट, 250 टू 500 ml फॉर अ चाइल्ड एंड 250 ml और लेस फॉर एन इन्फंट। ओके, सो ये तीन वैल्यू आपको याद रखनी है, कि समझो कि इन्फंट्स के लिए पूछा गया हो तो आपको सिलेक्ट करना है 250 ml और लेस। मतलब कि ऑप्शन ए, समझो कि वो ऑप्शंस है फॉर चिल्ड्रन इट इज़ ए 250 टू 350 एंड फॉर द एडल्ट इट इज़ ए 500 टू 1000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन 365, ड्रग यूज टू रिलीव पेन, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक। एंड राइट आंसर इज द एनाल्जेसिक। सो जो एनाल्जेसिक मेडिसिन है, कि जिसका हमने अभी एक वीडियो बनाया था कि बेसिक यूज ऑफ मेडिसिन, सो एनाल्जेसिक मतलब कि पेन किलर, रिड्यूस द पेन। इसके अंदर माइल्ड एनाल्जेसिक, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक दो ड्रग्स आती है। माइल्ड के अंदर एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन एंड एसिटामिनोफेन, एंड स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक के अंदर होते हैं ओपियम, हेरोइन एंड कोडिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 366, हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस, एस्ट्रोजन, पिटोसिन, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एंड राइट आंसर इज द एंड्रोजन। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द प्रीडोमिनेंट एंड मोस्ट एक्टिव एंड्रोजन इज ए टेस्टोस्टेरॉन विच इज प्रोड्यूस बाय द मेल टेस्टिस। ओके, सो मेल टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं मोस्ट एक्टिव एंड्रोजन, वो है टेस्टोस्टेरॉन। 367, 1 टीस्पून फूल कंटेन हाउ मच ml? 2 ml, 5, 10 और 15 ml? इन राइट आंसर इज द 5 ml। सो जब हम कन्वर्जन्स करते हैं, ओके, सो इसके अंदर रहता है कि टीस्पून फूल लिखा हो, समझो कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो 1 टीस्पून होता है अराउंड 5 ml, जिसके साइन है 3 लिखते हैं हम और स्मॉल आई। देन 1 टेबल स्पून फुल मतलब कि 15 ml, 1 कॉफी कप्स फुल मतलब कि 30 ml एंड 1 वाइन ग्लास फुल मतलब 60 ml। सो 5, 15, 30 एंड 60। तो टेबल सबसे कम जो है वो टी, उसके बाद टेबल, फिर कॉफी एंड वाइन ग्लास। 368, 1 ml कंटेंट्स हाउ मच ड्रॉप्स? 5 ड्रॉप, 10, 17 और 28 ड्रॉप्स। एंड राइट आंसर इज द 17 ड्रॉप्स। सो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी कि हमें पता है कि 0.6 ml मतलब कि 1 ड्रॉप, सो 1 ml इज इक्वल टू हाउ मच, सो थस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.06, सो 1 बाय 0.06 इक्वल टू अराउंड 70 ड्रॉप्स होगा। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 369, एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी 2 के जी, 4, 3 और 5। एंड राइट आंसर इज द 3 के जी। सो ये चार्ट आपको याद रखना है कि जो बॉयज और गर्ल्स का जो अलग अलग एज वाइज कितना वेट होना चाहिए नॉर्मल। ओके, तो वेट है एट बर्थ बॉय एंड गर्ल्स दोनों का 2.6 और हाइट है 47.1 एंड 46.7 फॉर ए बॉयज एंड गर्ल्स। तो नियर बाय वैल्यू है 3 के जी, सो वी विल सिलेक्ट द ऑप्शन सी। हाउ मच सॉल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक ए सॉल्यूशन नॉर्मल सलाइन? 2 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम और 9 ग्राम। सो क्वेश्चन ये है कि आपको 1 लीटर नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए आप कितना सॉल्ट मतलब कि NaCl यूज करोगे। सो राइट आंसर है डी, 9 ग्राम। तो हम सबको पता है कि नॉर्मल सलाइन मतलब कि 0.9% NaCl, थस 0.9 मीन्स 0.9 ग्राम इन 100 ml, थस 0.9% मीन 0.9 ग्राम इन 100 ml। अब हमें बनाना है 1000 ml, ओके, सो 1000 ml के लिए हमें लगेगा 9 ग्राम फॉर 1000 ml। जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 इन बोथ ऑफ साइड, सो 0.9 इंटू 10 9 ग्राम एंड 100 इंटू 10 1000। सो परसेंटेज सेम रहेंगे हमारे 0.9%, और हमारा सलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा बाय एडिंग 9 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन ए 100 ml एल वाटर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड योर नेम, सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू 9426180836, फार्मारॉक्स व्हाट्सएप ग्रुप्स। You can also contact Mr. Amar Rawal, owner and founder of Pharmarox. The way of success on his WhatsApp number 9016312020. So good luck and all the best. You can also order our pharmacist exam booklet. Pharmarox Pharmacist Exam Booklet is available for the preparation of various government examinations. So, ये booklet के अंदर section 1, section 2 है. Section 1 में आपको मिलेगा IMP GPK pinpoints and MCQ and Master Pharmacy Note. While in section 2, you will get faulty model papers, 5000 MCQ and answer key of the paper. So, to order this copy, you can contact us on 9016312020. So good luck and all the best.